Hello everyone, our today's topic is exercise 7D of your textbook. Okay, आपकी exercise जो है textbook है उसमें से हम 7D number की exercise करेंगे जिसमें हम 3-digit number को 1-digit number से कैसे multiply करते हैं वो सीखेंगे. Okay? Question number 1A. आपको 1 to 3 तक के जितने sums हैं वो सारे textbook में हो जाएंगे तो उतने textbook में ही करने हैं. फिर 4 नंबर का जो क्वेश्चन है उसके सारे सम्स आपको फिर नोटबुक में करने पड़ेंगे, है ना. सो विल स्टार्ट डूइंग फ्रॉम नंबर 1 ए मल्टीप्लाई 112 बाय 2. क्वेश्चन नंबर 1 ए 112 इज मल्टीप्लाई बाय 2. देखो मल्टीप्लाई के सम्स पहले हमने जो सबसे पहले एक्सरसाइज की थी उसमें हमने देखा कि मल्टीप्लिकेशन जो है वो रिपीटेड एडिशन है. फिर उसी एक्सरसाइज में हमने सिंगल डिजिट नंबर को सिंगल डिजिट नंबर से कैसे मल्टीप्लाई करते वो सीखा. एक्सरसाइज 7B की उसमें हमने 2-digit नंबर को सिंगल डिजिट नंबर से मल्टीप्लाई करना सीखा. अब यहाँ पे हम 3-digit नंबर को 1-digit नंबर से या तो सिंगल डिजिट नंबर से कैसे मल्टीप्लाई करते हैं वो सीखेंगे. एंड आपको मल्टीप्लाई करने के लिए कोई भी जितने भी नंबर होंगे जितने भी डिजिट्स होंगे उनको मल्टीप्लाई करने के लिए 1 to 10 तक के टेबल का रन करने पड़ेंगे. ओके आप अपने घर पे अपने बड़े भाई बहन के साथ मिलके या तो फिर अपने पेरेंट्स की हेल्प लेके टेबल्स रन करना उनको बोल देना ये कर सकते हो. तो टेबल रन करवाना मैं यहाँ पे नहीं कर रही हूँ. आप टेबल खुद रन करोगे और आपको रन करने पड़ेंगे क्योंकि आपको मल्टीप्लाई के सम्स तो ही आएंगे अगर आपके टेबल्स रन होंगे बाय हार्ट होंगे तो. ओके Now we start our exercise 112. आपके पास यहाँ पे 100, 10s and 1s जैसे करते 3-digit नंबर ऊपर है एंड नीचे मल्टीप्लाई और सिंगल डिजिट नंबर है तो हम कहाँ से शुरू करेंगे मल्टीप्लाई करना राइट हैंड साइड से. दैट मींस 1s की जो प्लेस है वहां से जब 2-digit नंबर हम मल्टीप्लाई कर रहे थे तब भी हम पहले 1s की प्लेस को ही मल्टीप्लाई कर रहे थे. 10s की प्लेस को या 100 की प्लेस को मल्टीप्लाई करना स्टार्ट नहीं होता है. ओके लेफ्ट हैंड साइड से मल्टीप्लिकेशन नहीं स्टार्ट करते हो इस दैट इज एडिशन एंड सबट्रैक्शन वो भी लेफ्ट हैंड साइड के बजाय राइट हैंड साइड से स्टार्ट करते हैं. तो मल्टीप्लिकेशन की स्टार्टिंग आप राइट हैंड साइड से ही करते हो फ्रॉम द 1s डिजिट. 2 2s are 4 1 2s are 2 1 2s are 2. ओके मल्टीप्लाई के सम्स बहुत इजी है लेकिन अगर आपको टेबल बाय हार्ट होंगे तो नहीं तो नहीं. ओके नंबर बी 213 इज मल्टीप्लाइड बाय 2. 213 इज मल्टीप्लाइड बाय 2. ये 3 2s are 6 1 2s are 2 2 2s are 4. ओके नेक्स्ट नंबर सी 404 इज मल्टीप्लाइड बाय 2. 4 2s are 8 0 2s are or 2 0s are 0. ओके as you already know that when any number is multiplied by 0 the product is always 0 and once more 4 2s are 8. D number 321 is multiplied by 3. 1 3s are 3, 2 3s are 6 and 3 3s are 9. ओके अब जो क्वेश्चन नंबर 1 में एक या दो सम बाकी है वो आप खुद करना. ठीक है मैंने क्वेश्चन नंबर 1 के 4 सम आपको करवाए हैं. अब नंबर ई और एफ एफ तक है कि ई तक है आई डोंट नो ई तक है तो वो ई नंबर का सम आप खुद करोगे. विल मूव टू द नेक्स्ट नंबर दैट इज क्वेश्चन नंबर 2A. क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2 में डिफरेंस क्या है. क्वेश्चन नंबर 1 में आपके पास कैरी ओवर वाला सम नहीं थे लेकिन क्वेश्चन नंबर 2 में आप कैरी ओवर वाले सम करोगे. तो कैरी ओवर अगर यहाँ से मल्टीप्लाई होता है तो कैरी ओवर 10s डिजिट में आता है. 10s डिजिट का जो कैरी ओवर रहता है वो आता है 100s के डिजिट के ऊपर. ओके आपको एडिशन सब
अब देखो ये वंस की डिजिट का जो कैरी ओवर आएगा वो हम टेंस की डिजिट ऊपर रखेंगे, ठीक है। एट टू सात सिक्सटीन, सिक्सटीन होता है एट टू सात, ओके। आपको एट का टेबल पता नहीं है तो आप ये भी कर सकते हैं, टू एट सर क्या होता है, टू का टेबल तो आपको पता होना चाहिए, मालूम होना चाहिए, ओके। तो टू एट सर सिक्सटीन, सिक्सटीन का जो यूनिट डिजिट सिक्स है वो नीचे आएगा एंड टेंस डिजिट के लिए हो जाएगा, ठीक है।
दिस इज द आंसर. ओके नेक्स्ट नंबर एफ. 218 मल्टीप्लाइड बाय 4. 218 मल्टीप्लाइड बाय 4. 3 4 1s are 4 and 4 plus 3 will be 7. Okay, 8 4s are 32. 2 down, 3 carry. 1 4s are 4 and 4 plus 3 will be 7. 2 4s are 8. Next, number G. 195 multiplied by 5.
345 is multiplied by 3. अब 11 के अनुसार, फॉर एग्जाम्पल आपको पता नहीं है तो आप क्या करोगे कि 11 में
ठीक है, तो ये हो गया 55, 11 times 55। इसी तरीके से आप कोई भी टेबल को कंटिन्यू कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, इफ आई एम राइटिंग अ टेबल ऑफ 12 एंड आई डोंट रिमेम्बर इट वेरी वेल, अदरवाइज मुझे बोला गया कि फिल इन द ब्लैंक्स, मुझे याद नहीं है तो फिल इन द ब्लैंक्स कैसे बनूंगी मैं 12 के टेबल की। 12 times 12, ओके, अब 12 की संख्या मुझे नहीं पता है तो व्हाट विल आई डू, 12 के अंदर मैं 12 प्लस करूंगी क्योंकि ये है 12 एंड मैं टेबल में 12 का ही लिख रही हूँ, इसलिए मैं 2 बार 12 प्लस करूंगी, वो हो गया 23, ठीक है। अब 12 की संख्या मुझे नहीं पता है, 12 की संख्या पता नहीं है तो मुझे 2 की संख्या मुझे पता है, 24 होता है, उसमें मैं 12 प्लस कर देती हूँ, ठीक है, ये हो गया 12 की संख्या। This way I can continue the pattern and continue the tables up to 10. I can write the tables up to 10. मैं 10 तक ऐसे tables लिख सकती हूँ अगर मुझे याद नहीं है तो। But my opinion for you people is that कैसे से table plus करके याद रखने से बदले आपको क्या करना है, आपको उसको by heart ही learn कर लेना है जितने भी tables आप घर में कर पाओगे, ठीक है। ऐसा नहीं है कि 1 to 10 tables ही आप करोगे फिर आपके 10 तक हो गए तो आप 11, 12 ये भी लर्न करना स्टार्ट कर सकते हो, ठीक है। आपको अभी फिर 4th में आने जितने भी क्लासेस है उसमें सब में मल्टीप्लाई के टेबल्स तो काम आएंगे ही, तो इट इज बेटर फॉर यू टू लर्न द टेबल्स देन डूइंग दिस मेथड, ओके। ये मेथड करने से तो बेटर है कि आप टेबल को बाय हार्ट ही लर्न करो। अब हम 7e नंबर के एक्सरसाइज करेंगे, लेकिन उसमें आपको बहुत इजी सम्स दिए हैं, क्यों, क्योंकि उसमें आपको मल्टीप्लिकेशन बाय टेंस, हंड्रेड्स एंड थाउजेंड्स करना है, ओके। आई कैन अंडरस्टैंड कि आपको टेंस, हंड्रेड्स एंड थाउजेंड्स के टेबल नहीं आते होंगे, है ना, टेन का शायद आता होगा लेकिन हंड्रेड का टेबल नहीं आता होगा, थाउजेंड का नहीं आता होगा, तो उसके लिए एक शॉर्ट या तो सिंपल मेथड है उसको हम फॉलो करके कर सकते हैं, वो मेथड मैं आपको सिखाऊंगी। Now we move to the next exercise number 7E. Okay, exercise number 7E. Multiplication by tens. 84 multiplied by 10. Thank you.
लाइक दिस एंड फॉर 50 एंड क्लियर 4 5 एंड 20 एंड 1 0 इज लेफ्ट इन द मल्टीप्लाई सो वी रिप्लेस आफ्टर 20 4 50 एंड 200 Next number J and doing 12 20s are. देखो यहाँ पे आपको 10 के टेबल की रिक्वायरमेंट भी बढ़ रही है, ठीक है? तो आप जितने ज्यादा टेबल कर पाओगे उतना आपके लिए अच्छा है। नहीं तो आपको क्या करना पड़ेगा 12 multiplied by 2 करके देखना पड़ेगा। मुझे तो टेबल 12 का आता है, लेकिन आप लोगों को वो नहीं आता, तो आप इसे मल्टीप्लाई करना। ओके 12 2s are 24 एंड 10 from the multiplier. Next number 15 30s are. छह के बाद में के करो। 15 30s are. तो 15 का टेबल जिनको नहीं आता होगा उनको ऐसे मल्टीप्लाई करके देखना पड़ेगा, है ना? 15 3s are 45 and 10 from the multiplier. आपको एक एक जीरो पीछे लगा देना है क्योंकि आपने जब मल्टीप्लाई किया तब आपने 15 3s are ही किया था, 15 30s are वहां पे मल्टीप्लाई आपने नहीं किया था, ठीक है? 15 3s are मल्टीप्लाई किया था, जीरो बाकी था, तो जीरो आपको कॉलम में जोड़ दोगे, ठीक है? नाउ वी मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। वहां पे आपको 100 के साथ मल्टीप्लाई करके आंसर्स लिखने हैं। D number में देना है 1000।
जितना याद ज्यादा करोगे उतना वो लर्न हो जाएंगे फिर, ठीक है ना। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 3 फ्रॉम द एक्सरसाइज 7E। अब यहाँ पे हम अपना वीडियो लेक्चर खत्म करेंगे। 7E एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 3 तक मैंने अभी करवाया है और क्वेश्चन नंबर 4 से बाकी के सारे सम में नेक्स्ट लेक्चर में करवाऊंगी। फॉर टुडे वी आर एंडिंग अप आवर लेक्चर हियर एंड थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग माई वीडियो।